गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ कर रहे हैं। इस एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ में हम अपनी पूरी क्लास 7th की एनसीईआरटी करेंगे साइंस की, जो हम जितने भी हमारे 1 मार्क क्वेश्चंस है, 2 मार्क क्वेश्चंस है, या 5 मार्क क्वेश्चंस है, 3 मार्क क्वेश्चंस है, हम सभी कवर करेंगे हम अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ में। जो ये एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ है, ये सीटीईटी के लिए भी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो क्लास 7th के बच्चे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ही। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को। देखो, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने क्लास 6 में ये पढ़ा होगा कि जो फूड है वो असेंशियल होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फूड से, फूड कंपोनेंट वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ लिया है। अब देखो, जो फूड कंपोनेंट वाला चैप्टर है उसमें हमने देखा होगा कि फूड जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो हमारे जो सेल्स हैं उनको एनर्जी भी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। डेड सेल्स क्या वर्क करेंगे? नहीं करेंगे। सो फॉर सर्वाइवल वी हैव टू नीड फूड। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं, मतलब फूड के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी। ये हमारे लिए बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे आपसे पूछा जाएगा कि नेम द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हम क्या बोलेंगे? ये प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दीज आर असेंशियल फॉर आर बॉडी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो फूड होता है उस वो क्यों रिक्वायर है? वाई फूड इज़ रिक्वायर्ड? वाई फूड इज़ रिक्वायर्ड? फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। अभी हमने पढ़ा है कि जो फूड है वो किस लिए रिक्वायर होता है? फॉर सर्वाइवल। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। अब ऑल लिविंग और प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिंथेसाइज मतलब टू मेक, अपना टू प्रिपेयर, अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। बट एनिमल्स और इंक्लूडिंग एनिमल्स, क्योंकि हम जो एनिमल्स के अंदर हमारा जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, हम अपने फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मतलब प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं जैसे प्लांट्स कर सकते हैं। ह्यूमंस कैन नॉट, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हम किससे लेते हैं? हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? हम डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पर। जो ह्यूमन है वो प्लांट्स पर डिपेंड कर रहा है और किसके ऊपर कर रहा है? एनिमल्स पर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो, इसके बाद जो बूजो है वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। इसमें जो बूजो है वो चाहता है कि बताओ मुझे कि जो प्लांट्स है वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो अब देखो, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग किसके द्वारा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स।
दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ बना सकते हैं. जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स है, वो क्या है, रॉ मटेरियल्स है. प्लांट्स उनकी हेल्प से क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो. जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या करते हैं, उनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए. अगर हम न्यूट्रिएंट्स नहीं खाएंगे तो हमें क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी. जैसे हमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारे लिए असेंशियल होते हैं, जो हमारी लाइफ को कैरी आउट करते हैं, मतलब हमारी लाइफ को जारी करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट को डैमेज होने से बचाते हैं. जो भी हमारी बॉडी है वो सबसे किससे मिलके बनी हुई है, सेल से बनी हुई है. सेल जो है हमारी बॉडी की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. अगर छोटे छोटे टुकड़े से हम पेपर बना सकते हैं, तो इसी तरह हमारी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किसकी हेल्प से बना है, सेल की हेल्प से. अगर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, तो क्या नहीं होगा, जब खाना नहीं जाएगा तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो फंक्शन करना बंद कर देंगे. उसके बाद है नेक्स्ट है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिशन किसको बोला जाता है, कि वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करता है. न्यूट्रिएंट्स को हम खाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रिशन बोला जाएगा. एंड इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी. और हम क्या करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं. जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमने खाना खाया, उसका क्या करेंगे, हम यूटिलाइज करेंगे. हम ब्रेक डाउन होगा वो खाना हमारे अंदर, उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स है, तो हम विटामिन्स जो खा रहे हैं तो वो क्या जा रहा है, न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उससे हमें क्या मिल रही है, बॉडी क्या कर रही है, उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर रही है. यूटिलाइज की फॉर्म में क्या दे रही है, हमें एनर्जी दे रही है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ये देखो ये वाले टर्म इंपॉर्टेंट. ऑटो मिल्स होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब होता है नरिशमेंट. जो अपना नरिशमेंट खुद कर सकते हैं, मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा, उनको बोला जाएगा ऑटोट्रॉफ्स. देयर फोर प्लांट्स आर कोल्ड ऑटोट्रॉफ्स. जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. क्यों, क्योंकि वो अपना खाना विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, और ऑल्सो फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं. वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. जो एनिमल्स है वो प्लांट्स को खाते हैं. हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन प्लांट्स ने प्रिपेयर किया, फ्रूट प्रिपेयर किए, ग्रेन्स किए, हम उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. हम उनके प्रिपेयर किए हुए फूड को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. और एनिमल्स भी किसको खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, और हम एनिमल्स पे भी डिपेंड कर रहे हैं फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स. जो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिल्क, इसके लिए हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एनिमल्स पर. दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए. पहली वॉन्ट्स टू वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स. अब देखो, बूझो ने जो पहले क्या पूछा था, प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हमें पता चला प्लांट्स किसकी हेल्प से करते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. अब जो पहेली है वो जानना चाहती है कि जो हमारी बॉडी है वो क्यों नहीं बना सकती विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, लाइक क्यों नहीं कर सकती. अब हम इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. जो फूड की फैक्ट्रीज है प्लांट्स के अंदर, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि जो फूड है वो कहाँ पर प्रिपेयर करता है, कहाँ पर रहता है. वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, क्या हर एक पार्ट में बनता है, या कोई सर्टेन पार्ट, कोई निश्चित पार्ट है उसके अंदर बनाया जाता है. और जो प्लांट्स है वो अपना रॉ मटेरियल किस तरह से सराउंडिंग से लेते हैं. अब प्लांट्स तो चल के जा नहीं सकते, तो वो किस तरह से वो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट. और अगर उसने खाना अगर किसी एक पार्ट में बनाया तो अपने पूरे पार्ट तक कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरह से पहुँचाते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर द फूड फैक्ट्री. देखो, फूड की जो फैक्ट्री है जहाँ पर खाना बनता है, जो किचन ऑफ द सेल है, वो क्या होता है, लीव्स. यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसको हम किचन ऑफ सेल कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव. सारे रॉ मटेरियल कहाँ तक जाने चाहिए, लीव तक. अगर हमारे घर में किचन में खाना बन रहा है,
तो हम जो सब्जियां लाते हैं, जो कच्ची सब्जियां लाते हैं, उसको पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें किचन में चाहिए ना प्रॉपर गैस वगैरह, ये सब कुछ चाहिए। तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की जो किचन कहाँ पे पाई जाती है, वो लीव्स के अंदर पाई जाती है, वहाँ पर खाना बनता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और जो वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलता है, उनको सॉइल के अंदर मिट्टी से मिलता है, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, और जो प्लांट्स की रूट है वो उसके एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जैसे अगर हम कहीं सब्जी लेने जा रहे हैं, तो हम अपना हाथ पैर इनका यूज़ करके हम जाएंगे ना, चलकर उठा के लाएंगे, तो प्लांट्स तो चल नहीं सकते, लेकिन जो उसकी रूट्स होती हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं, बहुत लंबी लंबी होती है, दूर दूर तक होती है, वो क्या करती है, उसको जकड़ लेती है वाटर और मिनरल्स को, और वो अपने प्लांट्स के, और ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ तक, लीव्स तक जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाती है, उनको एयर से मिल जाती है। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव सरफेस, जो लीव्स हैं उसके सरफेस में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोर्स, टाइनी पोर्स, और इनको ये गार्ड सेल का काम करते हैं। देखो गार्ड का क्या काम होता है, रक्षा करने का, तो इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, जो लीव्स के साइड में रहते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं जो लीव्स की रक्षा करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को आउट करते हैं, और कोई भी अदर सब्सटेंस है वो अंदर जाने से रोकते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, बताओ स्टोमेटा किसको बोलते हैं, तो जो पोर्स होते हैं किसके अंदर, सराउंडेड इन द लीव्स, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, तो दीज पोर्स आर कॉल्ड गार्ड सेल्स एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, और इसका फंक्शन भी होगा, फंक्शन क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन, जो इवेपोरेशन होता है ना, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर बोलते हैं। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड रीच द लीव्स। अब वो अब हमें पता चल गया कि रूट्स लेती हैं, लेकिन वो रूट्स अब किस तरह से लीव्स तक पहुँचाएगी, वो ये जानना चाहता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। एक वेसल्स होते हैं, जब जैसे हमारे अंदर जो पाइप्स होते हैं, उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी वेसल्स होते हैं पाइप के जैसे, और वो थ्रू आउट द रूट, रूट के से, स्टैम से, उसकी ब्रांचेस से, उसकी लीव्स से, सब जगह होते हैं। दे फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस पाथ, जैसे हमारे अंदर फूड पैसेज, एयर पैसेज होता है, तो इसी तरह उनके अंदर भी क्या होता है, कॉन्टीन्यूस पाथ होता है इन वेसल्स का, जिसके थ्रू क्या जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है रीच करते हैं कहाँ तक, लीफ तक, जो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर ना कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना हमारा डिटेल नहीं है। जाइलम और फ्लोएम, जिनके थ्रू, जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स जाते हैं, फ्लोएम के थ्रू फूड जाता है, तो हम बड़ी क्लासेस में उसको पढ़ेंगे। अभी हमारा जो इतना, हमें इतना पढ़ना है कि वो छोटे छोटे पैसेज होते हैं जहाँ से क्या जाता है, न्यूट्रिएंट जाता है लीफ तक। दीज आर कॉल्ड वेसल्स, उनको क्या बोलते हैं, वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट दियर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। ठीक है, हम चैप्टर 11 में ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो, सबसे पहले इसका जो हाईलाइट है वो पढ़ लेते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, हमने सबने देखा है जो बिल्डिंग है वो किससे बनती है, ब्रिक्स से, यानी कि ईंट से। इसी तरह जो बॉडीज है हमारी भी, वो भी किससे बनती है, छोटे छोटे सेल से बनती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप है उसी के अंदर हम सेल्स को देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो मोस्टली कुछ ऑर्गेनिजम ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक सेल पाया जाता है। एक सेल का मतलब ये होता है कि एक ही सेल उनके सारे फंक्शन करेगा, चलना फिरना, खाना उठना बैठना, सब एक ही करेगा। लेकिन हम क्या है, हम मल्टी सेलुलर, हमारे अंदर काफ़ी सारे अलग अलग सेल्स हैं। हमारा हार्ट का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, किडनी का अलग काम है, आइज़ का अलग काम है, नोज़ का अलग काम है, तो हमारे अंदर क्या है, मल्टी सेलुलर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसके अंदर एक सेल है, वो एक ही सेल से सारा काम करता है। उसका फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में है, द सेल इज एनक्लोज बाय अ टाइनी, जो सेल है उसके साथ में क्या होता है, सराउंडेड में एक लेयर होती है, वो लेयर, उसको क्या बोला जाता है, उसको मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। वो क्या करती है कि बाहर से कुछ ऐसा मटेरियल अंदर ना है जो हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, उसको आने से रोकती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल का मतलब होता है उतना ही आने देगी जितना ज़रूरत है सेल को, सेल को जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उतना ही अंदर आने देगी, बाहर का उसके साथ में कोई भी अलग से को ऐसा मटेरियल आएगा जो ख़राब होगा, जो हार्मफुल होगा सेल के लिए, उनको आने से रोकती है। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रल लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और देखो, इन जो हमें ये दिखाई दे रहा है ना सेंटर में,
ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस क्या होता है, जेली लाइक, इसके सराउंडेड, इसके यहाँ पे जो होते हैं फिल हुआ रखा है, यहाँ पे क्या होते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब चिपचिपा सा एक सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोट करता रहता है जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा। और जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको रखता है। यह भी आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आप जब 9th क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये सब कुछ। बस अभी आपको इतना पढ़ना है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल करके रखता है। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, जो लीव्स होते हैं उसकी हरी, उसके अंदर क्या होती है, हरे रंग की पिगमेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं क्लोरोफिल। देखो कुछ लीव्स ऐसी होती है जो ड्राई हो जाती है, सूख जाती हैं, तो वो अपना खाना नहीं बना पाती और वो झड़ के नीचे गिर जाती है। जो येलो लीव्स होती हैं वो अपना खाना नहीं बना पाती, तो मतलब लीव्स को हेल्प करती है सन की लाइट को कैप्चर करने में, कौन करती है, क्लोरोफिल करती है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स के साथ में हेल्प करने के लिए, फूड बनाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, फोटोसिंथेसिस बोला जाएगा। फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो प्लांट्स की हेल्प करते हैं उनका फूड प्रिपेयर करने में। तो जो ये हाईलाइट है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक अलग प्रोसेस है अर्थ पर, इसके जैसा कोई भी नहीं, यूनिक है बिल्कुल। सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स। देखो सोलर एनर्जी मतलब सन की लाइट को कौन कैप्चर कर रहा है, लीव्स कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, स्टोर करके क्या बना रही है, अपना फूड बना रही है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपसे क्वेश्चन आएगा डैस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो क्या बोलोगे, सन, सनलाइट, सन जो होगा वो अल्टीमेट सोर्स है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइफ पॉसिबल है अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, हम अपना खाना कहाँ से करेंगे, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर तो डिपेंड करते हैं, एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, हमें फूड ही नहीं मिल पाएगा, तो हमारा जो सर्वाइवल है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ क्या सर्वाइवल पॉसिबल है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड बाय द प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल। देखो ऑक्सीजन भी क्या होती है, हमारे सर्वाइवल है, क्या हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑफ ऑल लिविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है, तो लाइफ क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ग्रीन स्टेम में भी होते हैं, ग्रीन ब्रांचेस में होते हैं। लीव्स के अलावा कहाँ कहाँ होते, तो आप क्या बोलोगे, ग्रीन स्टेम्स में होते हैं, ग्रीन ब्रांचेस में होते हैं। तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लोज ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। देखो जो आपने जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर जो है कांटेदार वृक्ष होते हैं, तो अब देखो वहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी होती है। जब ऐसे पेड़ हैं जिनकी पत्तियाँ भी ऐसी हैं, तो क्या वहाँ पे फूड अपना नहीं बना पाएंगे, तो उनका जो स्टैम होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, उनकी ब्रांचेस क्या होती है, ग्रीन होती हैं, और वो क्या करते हैं, कम ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर कम करते हैं। अब राजस्थान वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर जो पानी है वहाँ पे कम होता है, तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो कांटेदार होते हैं ताकि उनको कम पानी की ज़रूरत हो, और वो क्या करें, लॉस भी कम करें, जितना पानी उन्होंने जकड़ा हुआ है उसी से वो काम चलाए, ट्रांसपीरेशन जो है इवेपोरेशन मतलब वो कम होगा। चलो अभी हम इतना करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।